पनीर का तड़का में आज हम क्या बना रहे हैं, जायका का तड़का में। आई नो आप सभी लोग क्यूरियस होंगे, आज हम रेसिपी बना रहे हैं श्वेता। हाय। रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। हम आपको झटपट और आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स एट होम में आप रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। मैंने यहाँ गैस ऑन किया है। पहले हम लोग पूरा कढ़ाई ड्राई कढ़ाई मसाला रेडी करेंगे। सो आई हैव टेकन 1 टेबलस्पून ऑफ होल धनिया। अच्छा। 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा, साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून ऑफ होल पेपर, 1 बे लीफ, 2 इलायची और 2-3 सिनेमन स्टिक। अभी हम सब मिक्स करके उसको ड्राई रोस्ट करेंगे स्लो गैस पर। अच्छा, तो ये कढ़ाई पनीर का स्पेशल इंग्रेडिएंट है और इसको बोलते हैं कढ़ाई मसाला बोलते हैं। ओके। और उसे स्लो गैस पर ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा, और कितनी देर करना है? 3-4 मिनट। जब थोड़ा वो स्मेल आने लगे ना, आपको अरोमा आने लगेगा, चेंज हो जाएगा, कलर भी थोड़ा चेंज होएगा। पनीर का तड़का में हर हफ्ते श्वेता आपके लिए एक रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की रेसिपी लेके आ रही है। शिवा शेफ मोहम्मद जायका का तड़का फॉर पनीर का तड़का। देखो 2 मिनट हो गए तो ये जीरा का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, दैट मीन्स अभी हो गया। सो अभी हम उसको गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, अभी उसको ठंडा होने को रखना है। वी हैव टू कूल एंड देन जस्ट कोर्स ग्राइंड इट। अभी मैं पनीर की ग्रेवी बनाना शुरू कर रही हूँ। पैन लिया। जब तक हमारा ड्राई कढ़ाई जो हमने रोस्ट करा है ड्राई रोस्ट, वो ठंडा हो रहा है मसाला, राइट। अभी हम उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए ना, उसमें हम अनियंस लेंगे, ऐसे बड़े काट लो क्योंकि हमको उसको ऐसे भी मिक्सी में ग्रेवी बनाना है। तो कितने अनियंस लिए हैं? मैंने एक बड़ा सा अनियन लिया है। ओके। आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्लीज हमें बताइएगा कमेंट में, यू वुड लव टू नो। और पनीर का तड़का में अब आपको नेक्स्ट रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल की कौन सी देखनी है हमें जरूर बताइएगा। अभी इसमें हम मैंने 3 बड़े टमाटोज लिए हैं चॉप, वो भी बड़े पीस काट लेंगे। और ये जो फुल फ्लेम पे फुल फ्लेम पे इसमें हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे तो जाके टमाटर अच्छे से जाके पक जाए। एंड पिंच ऑफ शुगर। एंड शुगर डालना अच्छा रहता है? अच्छा रहता है क्योंकि टमाटर की बहुत सावरनेस वो थोड़ी निकल जाती है। और कुछ नहीं, नहीं चलना चाहते तो भी इट्स ऑप्शनल। अभी कितनी देर तक हम अभी इसको ढक के हम 5-7 मिनट्स अच्छे से उसको पकाना है। अच्छा। और एक थिंग, जो हमने पहले ड्राई रोस्ट किया था मसाला, उसमें एक बेलीफ था, वो उसको मिक्सी में नहीं घुमाएंगे, उसको इसमें ही डाल देंगे। अच्छा। तो उसका अरोमा और भी बढ़ता जाएगा। ओके। तो उसको इसके साथ पकने देंगे। अभी हम उसको ढक देंगे और उसको 5-7 मिनट्स पकने देंगे। अभी उसको मीडियम फ्लेम कर देंगे। अभी हम उसको बीच बीच में थोड़ा चलाते रहेंगे, ऐसे एक बार मिक्स कर देंगे सब। और तब तक मेरा ड्राई मसाला भी ठंडा हो गया है तो अभी उसको हम पीस लेंगे। और इसमें ठंडा करना कंपलसरी है। हाँ, वरना पता है मिक्सी का बिगड़ जाएगा आपका मिक्सी। ये देखिए अपना मसाला ग्राइंड हो चुका है। और ये मसाले की खासियत ये है कि आप किसी भी पनीर ग्रेवी में इसको डाल सकते हैं, राइट? Yes. क्योंकि तो सब खड़ा कर सकते हैं, खड़ा मसाला है ना सब। हाँ। तो यू कैन स्टोर इट ऑल्सो, अगर एक्स्ट्रा बन गया तो स्टोर इट। अभी हम हमारी ग्रेवी चेक कर लेंगे बिकॉज 5-7 मिनट्स हो गए हैं।
तो देखिए अपने टमाटो एकदम अच्छे से हो गए, एकदम सॉफ्ट हो गए। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको भी हम एकदम ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही इसको हम थोड़ा मिक्सी चला के इसका ग्रेवी बनाएंगे। अभी देखो अपना ग्रेवी भी पूरा ठंडा हो गया, अभी हम इसको मिक्सी घुमाएंगे तो इसमें भी जो बे लीफ है ना वो हम निकाल देंगे। ये हमने खाली फ्लेवर के लिए डाला था। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए अपनी ग्रेवी रेडी हो गई है। अभी हम इसमें 2 स्पून ऑफ बटर डालेंगे। आप ऑयल भी यूज कर सकते हो या घी भी यूज कर सकते हो, पर रेस्टोरेंट स्टाइल है तो बटर तो मैंडेटरी हो गया। राइट चेयर, यस, इट टेस्ट वेरी नाइस, बिकम रिच ग्रेवी। रिच ग्रेवी, यस। अभी अपना यहाँ बटर गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक। मैंने 3-4 गार्लिक की कली ली है और थोड़ा सा जिंजर हाफ इंच, उसको ग्रेट करके। और जो लोग गार्लिक नहीं खाते, दिस इज ऑप्शनल, आप गार्लिक अवॉइड भी कर सकते हैं, इवन यू कैन अवॉइड अनियन ऑल्सो, क्योंकि जो जैन होते हैं वो प्याज एंड गार्लिक नहीं खाएंगे, तो आप उसको अवॉइड करके टोमेटो के संग इसको बना सकते हैं। अभी इसमें हम थोड़े ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून ऑफ हल्दी, और अभी एकदम उसको अच्छे से मिक्स करके ये देखिए एकदम बढ़िया कलर आने लगा है। अभी इसमें ही हम अपनी बनी हुई ग्रेवी डालेंगे जो अभी हमने बनाई। प्लीज यू लाइक द वीडियो, बिकॉज हर मॉम बहुत ही मेहनत के संग आपको ये वीडियो सिखाती हैं, और ये रेसिपी ज़रूर बना के इसकी पिक्चर पोस्ट करिएगा। और ये सब फुल फ्लेम पे ही करना है? हाँ, फुल फ्लेम पे। और नाउ हमारा जो पहले खड़ा मसाला, हमने कढ़ाई का मसाला ड्राई बनाया था, उसका 1 स्पून सो अब बचा है, वो उसको आप नेक्स्ट टाइम भी यूज कर सकते हो। आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, तो पनीर की कोई भी सब्जी आप बनाएं तो ये खड़ा मसाले का पाउडर आपको बहुत अच्छा टेस्ट देगा आपकी सब्जी में। अभी हम इसमें डाइस्ड अनियन, कितने डालेंगे आप? एक डाइस्ड अनियन और एक छोटा वाला डाइस कैप्सिकम, और अभी सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसमें भी कुछ होता है, होता है कि इसको हमें क्रंची रखना है। थोड़ा क्रंची, ओवर कुक नहीं करना है उसको। अच्छा, अगर हम ये पहले डाल देते तो बहुत ओवर कुक हो जाता था। अभी हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ऑलरेडी बहुत टेम्पटिंग दिख रही है श्वेता ये सब्जी। आई थिंक आपकी सब्जी के बाद अब लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो घर में भी अपने फैमिली वालों के लिए बना सकते हैं। आई होप श्वेता आपका भी मन कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर मॉम्स खाना बनाती हैं तो उनका पेट खाना बनाने से ही भर जाता है, और फिर वो खुद की सब्जी नहीं खाती। अभी हम इसको ना थोड़ी देर लिड क्लोज करके ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ी देर 2-3 मिनट्स। यस, तो पूरा ग्रेवी मसाला सब मिक्स हो जाएगा अच्छे से। ओके, सो फुल फ्लेम पे 2-3 मिनट्स हम इसको पकाएंगे। ओके, अभी एक चेक करते थे एक बार हम, ये देखो अपनी ग्रेवी अच्छे से होने लगी है और बहुत बढ़िया लग रही है ग्रेवी। तो श्वेता आपका खुद का भी खाने का मन कर रहा है? यस, आई थिंक आई विल नॉट गिव इट टू यू, दिस इज अ ट्रैक रिकॉर्ड। श्वेता जब भी अपन के जायका का तड़का के लिए स्नैक्स बनाती हैं तो मोस्टली होती है अपेक्षा यू ईट, मेरा तो बनाने में ही पेट भर गया। अभी आई हैव कट पनीर क्यूब्स, वो आप कोई भी साइज में काट सकते हो। और अभी आप गैस को थोड़ा फ्लेम स्लो कर देंगे। इट्स ऑलरेडी लुकिंग सो रिच एंड नाइस श्वेता।
अभी और भी उसको रिच बनाते हैं थोड़ा सा। अभी हम मैंने फ्रेश घर की मलाई ली है, दूध की जो आज सुबह की है ना, फ्रेश मलाई ली, मैं उसको थोड़ा सा बीट करूंगी। आपको नहीं है तो आप बाहर की भी मलाई यूज कर सकते हो, क्रीम यूज कर सकते हो, बट क्रीम हर किसी के पास नहीं होती, तो मलाई इज अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? इट्स अ बेस्ट थिंग, वेरी हेल्दी आल्सो। या वेरी हेल्दी आल्सो। बाहर की क्रीम की जगह आप घर की मलाई यूज करिए। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट मॉम्स कुकिंग, कि वो घर में ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के संग कुकिंग करती हैं। एक कप मैंने आधी से 3/4 कप की मलाई डाली है मैंने। अभी हम सबको मिक्स कर देंगे और इससे बहुत ही रिच लुक भी आ जाएगा आपकी सब्जी में। और मैंने पहले इतना सॉल्ट नहीं डाला था, अभी आई विल ऐड लिटिल मोर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। फिर कसूरी मेथी, उसको आप ऐसे करके डालिए, उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। उसके पीछे का रीजन मुझे बहुत सारी मॉम्स बोल चुकी हैं कि हाथ से इसको कस के डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, उसके पीछे का रीजन मैं जरूर जानना चाहूंगी, बिकॉज ये एक ही मॉम नहीं, हर मॉम यही बोलती है कि कसूरी मेथी को आपको हाथ से पीस के डालना चाहिए, उसे फ्लेवर और बढ़ जाता है। और अगर आप में से किसी मॉम को इसका रीजन पता है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आप कढ़ाई पनीर कैसे बनाते हैं अपने घर में, हम ये भी जानना चाहेंगे, वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बस अभी लास्ट में हम थोड़ा धनिया पत्ता डाल के उसको गार्निश कर देंगे। और अभी हम गैस बंद कर देंगे। लेट्स इट, कढ़ाई पनीर इज़ रेडी। सो ये देखिए, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में आपकी कढ़ाई पनीर इज रेडी विथ रिच ग्रेवी एंड एकदम बिल्कुल शानदार लग रहा है। अभी हम उसको सर्विंग बोल में निकालेंगे। और ये देखिए आपका कढ़ाई पनीर इज रेडी। कढ़ाई पनीर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में इज रेडी। एक्चुअली मैं अच्छा लग रहा है श्वेता, बट यू कैन ईट दिस अलोन, एक जने से तो ज्यादा है, सो आई थिंक यू कैन शेयर इट विद मी आल्सो। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का कढ़ाई पनीर इज रेडी। आज पनीर के तड़के में हमने ये दिखाया, नेक्स्ट वीक हम एक नई रेसिपी के संग आएंगे फिर से जायका का तड़का में विद दिस लवली मॉम है श्वेता शेट। सी यू एवरीवन, बाय बाय।